अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आप देख रहे हैं बेगम किचन। आज मैं लेकर आई हूं चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए हमने चिकन लिया है और चिकन को बॉईल करना है। तो यहां मैंने नमक का पानी लिया है और आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने नमक का पानी बॉटल में करके रखा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया है। और मैं इसे बॉईल करूंगी अच्छे से। जब तक ये बॉईल होता है आप और भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ये बॉईल करने के लिए हमने 10 से 15 मिनट चाहिए। चिकन हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं एक पीस निकाल के इसकी चेक करूंगी कि ये बॉईल हुआ है या नहीं। तो एक सारे पीसेस निकालने से पहले एक आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि ये गल चुका है। अब मैं सारे पीसेस निकाल लूँगी। बाय चांस अगर आपका नहीं गला है तो आपने मज़ीद 10 से 15 मिनट तक और रख लेना है। वैसे अदरवाइज ये गल जाएगा, 10 से 15 मिनट में ये गल जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया और मैं इसके पीसेस आराम से अच्छे से निकाल सकती हूँ। मैं थोड़े बड़े पीसेस रख रही हूँ क्योंकि ये पीसेस आते हैं तो मुँह में अच्छा लगता है। आप ग्रेंड करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ एक पैन पे मैंने लिया है ऑयल। यहाँ डालूँगी अदरक, लहसुन अदरक दोनों ही डालना है, हमने चॉप डालना है। एक दो मिनट के बाद हमने इसमें डालनी है प्याज, एक अदद प्याज लिए यहाँ पर। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने चिकन ऐड करना है। चिकन ऑलरेडी सॉल्टेड है, इसमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका चिकन में हल्का नमक हो तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। वैसे आप बॉइलिंग में डालेंगे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आपने इसमें डालना है हरी मिर्च। तो यहाँ 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं और यहाँ धनिया पत्ती भी डाल दी है थोड़ी। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने रखूँगी और मैंने ब्रेड लिया है उसमें इसके एजेस निकाल दूँगी, साइड कर दूँगी इसके एजेस, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जब हम रोल बनाते हैं तो ये बहुत टाइट होती है। एहतियातन आप इसकी साइड निकाल दें और इसकी साइड आपने फेंकनी नहीं है, इसे साइड में रख दें। मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी क्या करना है। तो एक बॉल लीजिए, उसमें पानी लीजिए और अपने ब्रेड को इसमें डिप कर देना है पूरा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस सारा उठा के और सारा एक्सेस वाटर इसको निचोड़ देना है और अपना फिलिंग करनी है। जो आप किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं, यहाँ चिकन की फिलिंग कर रखी है मैंने, चिकन रोल जैसे बनाया है मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके से मैं सारे चिकन रोल तैयार कर लूँगी। इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप ब्रेड को भिगो के इस तरीके से उठाते हैं तो आपने सारा एक्सेस वाटर निकाल लेना है। ब्रेड रोल हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं जैसे कि आप भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, 1 से 2 दिन ये स्टोर करके रह सकते हैं। आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए। अगर आप रात में बना के रख देंगे और मॉर्निंग में इसे फ्राई करके नाश्ते में देंगे तो ये बहुत जल्दी झटपट से बनाने वाली है। कि आपने बस मॉर्निंग में चाय बनाई और अपना ब्रेड रोल फ्राई करके रख दिया। यहाँ हीट मेरी ऑयल मेरा हीट हो चुका है और उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया है अपने चिकन रोल। गाइस हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। इस तरीके से हमने अपने ब्रेड रोल फ्राई कर लिए हैं। धीमी आंच पे आपने फ्राई करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर आप तेज़ करेंगे तो ये फटने लगेंगे और ये इसमें ऑयल जाने लगेगा। धीरे धीरे करेंगे तो ये इसकी हल्की सी लेयर बनेगी, क्रिस्पीनेस इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगी। देखिए जैसे कि तैयार हो चुके हैं मेरे, आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया नज़र आ रहे हैं। और अब ये सारे निकालने के बाद मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊँगी।
देखिए कितने क्रिस्पी एकदम नज़र आ रहे हैं। और मैंने इसे शेजवान सॉस के साथ मैंने खाती हूँ, बहुत ही लाजवाब लगते हैं, आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा वादा है आपसे कि आप जब एक बार बनाएंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं या फिर आपके हस्बैंड लोग, वो ज़रूर ये बार बार डिमांड करेंगे कि आप ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल ज़रूर बनाएं। तो इसके टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।